नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है टीचर बने, उसके लिए क्या तैयारी करें, संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप प्रिंसिपल भी बन सकते हैं, अध्यापक बन सकते हैं, टीचिंग लाइन मैं कैसे टीचर बने इसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, रेड कलर का बटन है इसे दबा के सब्सक्राइब करें, और साथ में एक बेल है उसे दबाकर जो भी मैं नया जो है वीडियो डालूं वो आपके पास डायरेक्ट पहुंचे, इसलिए आप उस बेल को दबाएं। जो दोस्त भाई बंधु पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा टीचिंग लाइन बहुत ही अच्छी लाइन है। दोस्तों, टीचिंग लाइन में करियर आर्थिक उदारीकरण के बाद से प्राइवेट स्कूल में ढेरों वैकेंसी मौजूद है। देश के दूसरे दूर दराज इलाकों में भी अब स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुल रही है और इसमें बड़ी पूंजी का निवेश किया जा रहा है। जाहिर है कि इन स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए योग्य ट्रेंड और प्रोफेशनल टीचर की मांग भी बढ़ती जा रही है। टीचिंग लाइन से संबंधित कोर्स कौन कौन से वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, टीचर बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर कई कोर्स मौजूद है, जिनमें प्रमुख है BEd, बैचलर ऑफ एजुकेशन। टीचिंग क्षेत्र में आने के लिए युवाओं के बीच ये कोर्स काफी लोकप्रिय है। पहले ये कोर्स 1 साल का था, जिसे 2015 में जो है इसे बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया है। इस कोर्स को करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एग्जाम देने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। कई प्राइवेट कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट के बिना भी सीधे एडमिशन तो देते हैं, मगर उन कॉलेजों से BEd करना ज्यादा लाभदायक है जो एंट्रेंस प्रोसेस के तहत दाखिला देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे। आप बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए इस तरह का कोर्स ना करें। हर साल BEd कोर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। राज्य स्तरीय परीक्षाओं के अलावा एंग्रो, काशी विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के BEd पाठ्यक्रमों को काफी बेहतर माना जाता है। इस कोर्स को करने के बाद उम्मीदवार प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा है BTC यानी बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन। जी हाँ, ये कोर्स केवल उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए है। इसमें केवल राज्य के ही स्टूडेंट हिस्सा ले सकते हैं। ये भी 2 साल का कोर्स है। इस कोर्स को करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। इस परीक्षा के लिए जिले स्तर पर काउंसलिंग कराई जाती है। परीक्षा देने के लिए उम्मीदवारों का ग्रेजुएट होना जरूरी है। साथ ही इसके लिए आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। इस कोर्स को करने के बाद उम्मीदवार प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल के टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं। NTT नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, ये कोर्स महानगरों में ज्यादा प्रचलित है। ये 2 साल का होता है। इस कोर्स में एडमिशन 12वीं के अंक के आधार पर या कई प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर दिया जाता है। प्रवेश परीक्षा में करंट अफेयर्स, जनरल स्टडी, हिंदी, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और अंग्रेजी के सवाल पूछे जाते हैं। इस कोर्स को करने के बाद उम्मीदवार प्राइमरी टीचर बनने के लिए
एलिजिबेट हो जाता है। चौथा है बी पी एड एंड बैचलर इन फिजिक्स एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन में रोजगार के काफ़ी नए अवसर शिक्षकों को मिल रहे हैं। निजी और सरकारी स्कूल बड़े पैमाने पर फिजिकल टीचरों की बहाली कर रहे हैं। इस पाठ्यक्रम में शिक्षक बनने के लिए दो तरह के कोर्स कराए जाते हैं दोस्तों। जिन उम्मीदवारों ने ग्रेजुएट लेवल पर फिजिक्स एजुकेशन एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है वो एक साल वाले बी पी एड कोर्स कर सकते हैं। वहीं जिन्होंने 12वीं में फिजिक्स एजुकेशन पढ़ी हो वे 3 साल वाले स्नातक कोर्स कर सकते हैं। इसके एंट्रेंस टेस्ट में फिजिकल फिटनेस टेस्ट के साथ साथ लिखित परीक्षा भी देनी होती है। एंट्रेंस टेस्ट में पास होने के बाद इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। पांचवा है JBT यानी कि जूनियर टीचर ट्रेनिंग। जूनियर टीचर ट्रेनिंग कोर्स के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं है और इस कोर्स में दाखिला कहीं मेरिट के आधार पर तो कहीं पर प्रवेश परीक्षा के आधार पर होता है। इस कोर्स को करने के बाद उम्मीदवार प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। DED यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन का ये 2 वर्षीय कोर्स बिहार और मध्य प्रदेश के प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए कराया जाता है। इस कोर्स में 12वीं के अंक के आधार पर एडमिशन होता है। कहाँ से करें कोर्स? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन नई दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी MU अलीगढ़, MET यूनिवर्सिटी। दोस्तों स्कॉलरशिप, कई सरकारी कॉलेज विभिन्न शर्तों के साथ फीस माफ या फीस में छूट देते हैं। टीचर बनने के लिए ज़रूरी परीक्षाएं, टीचर बनने के लिए सिर्फ कोर्स करना ही ज़रूरी नहीं है बल्कि कुछ एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना होता है। TGD और PGT ये परीक्षा राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ये परीक्षा लोकप्रिय है। DTG के लिए ग्रेजुएट और BEd करना ज़रूरी है तो PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और BEd डिग्री आवश्यक है। TGT के पास शिक्षक 6वीं क्लास से लेकर 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं तो PGT के शिक्षक सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। दूसरा है TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। भारत के कई राज्यों में इस परीक्षा का आयोजन BEd और DED कोर्स करने वालों के लिए होता है। कई राज्यों में हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि BEd करने के बाद शिक्षक बनने के लिए इस परीक्षा को पास करना अनिवार्य है। इस परीक्षा में वे स्टूडेंट भी हिस्सा ले सकते हैं जिनके BEd का रिजल्ट नहीं आया हो। इस परीक्षा को पास करने के बाद राज्य सरकार कुछ निश्चित साल के लिए एक सर्टिफिकेट देती है। ये अवधि ज़्यादातर 5 से 7 साल की होती है। इस दौरान उम्मीदवार शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। तीसरा है CTEC यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। केंद्र विश्वविद्यालय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधीन स्कूल, तिब्बत स्कूल और 9वें विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए इस परीक्षा को पास करना आवश्यक होता है। ये परीक्षा CBSE की ओर से आयोजित की जाती है।
इस परीक्षा में ग्रेजुएट पास और बीएड डिग्री वाले स्टूडेंट ही हिस्सा ले सकते हैं। इस परीक्षा को पास करने के लिए उन्हें 60% अंक लाना अनिवार्य है। इस परीक्षा को पास करने के बाद उम्मीदवार को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो 7 साल तक मान्य रहता है। हालांकि राज्य स्तर की परीक्षा में इन सर्टिफिकेट की कोई उपयोगिता नहीं होती है। चौथा है यूजीसी नेट। किसी भी कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी पाने के लिए इस परीक्षा में पास होना जरूरी है। ये परीक्षा साल में 2 बार सितंबर और जून में आयोजित की जाती है। नेट एग्जाम में 3 पेपर होते हैं। उम्मीदवार अंग्रेजी, हिंदी किसी भी माध्यम से परीक्षा दे सकता है। पहले पेपर में जनरल नॉलेज, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और दूसरे तथा तीसरे पेपर में चुने गए विषय के सवाल पूछे जाते हैं। नौकरी के अवसर, इस क्षेत्र में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में जॉब ऑप्शन है। सरकारी संस्थान के अलावा उम्मीदवार प्राइवेट स्कूल से लेकर कोचिंग संस्थान में भी जॉब कर सकता है। यही नहीं, उम्मीदवार खुद का भी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकता है। तो दोस्तों, सैलरी जो है अच्छी खासी सैलरी है, जो है 15,000 से लेके आपकी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ते जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो है ये जानकारी जो मैंने आपको दी है वो ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।